प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद पक्के मकान में रहने की तमन्ना पूरी हो रही थी। पहले किश्त में 50,000 रुपए मिल गए, कच्चा मकान तोड़कर नींव भी डाल दी। अब धन न मिलने से अधूरे मकान के नाम पर प्लास्टिक की पन्नी के नीचे रहने के लिए लोग विवश है। अधिकारी कोरोना संक्रमण की बात कर रहे हैं, जबकि लोगों के अरमान विश्वास पर लटक रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सालों से लाभार्थी पहले किस्त में 50,000 रुपया पाने के बाद कच्चा घर तोड़वा दिया। पक्के घर में रहने की आस और विश्वास अगली किस्त न मिलने से अधर में लटक गए। सालों से दूसरी किस्त न मिलने के कारण आधे अधूरे चार दीवारी पर पन्नी के सहारे रहने के लिए मजबूर है। विभागीय लापरवाही का यह खामियाजा लाभार्थी भुगत रहे हैं। भैया, हमको जो है एक किस्त मिला 50,000, बहुत खुशी मिला। और उसके बाद 2 साल हम लोग परेशान हो गए, अभी तक मिला ही नहीं। और क्या बताएं हम, और कर्ज वर्ज लेके हम लोग कैसे कैसे ये सब थोड़ा सा आगे का दीवार उठवा लिए। अब उसके बाद इतना दिक्कत परेशानी झेल रहे हैं। पन्नी निछा के अभी हैं और बड़ी बड़ी लड़कियां हैं हमारी, बताइए अब क्या बताएं। बारिश में इतनी बारिश हो जाती, पूरा हमारा पूरा सामान खराब हो जाता है। जितना हमारा बेड उड था सब खराब हो गया बारिश से। और हम लोग जमीन में भी से तो पानी जमीन में भर आता है। दीवार जो है, जो कर्ज अभी हम लेके अपना गहना कुछ था एक छो, वो रख के हम ब्याज के पैसा उठाए हैं और ब्याज भी नहीं भर पा रहे। सोचे थे आवाज आ जाएगा दूसरा तो हम उसको छुड़वा के अपना ले लेंगे, मगर हमारा वो भी डूबा जा रहा है। बहुत दिक्कत में हम लोग हैं। इसकी शिकायत हम लोग DM के यहाँ करी थी, वहाँ कोई सुनवाई। ये प्रधानमंत्री आवास मिला है जिसमें कि हम लोग को 50,000 दिया गया है। वो 50,000 डेढ़ साल के पार हो गया। हम लोग 50,000 पा करके खुश होकर के अपना अपना घर गिरवा दिए। और उसके बाद ये हुआ कि अब आ रहा है तब आ रहा है। दूर ऑफिस जाते तो बोलते हैं कि अब लगवा दिए हैं, लग गया है, फिर का कोरोना है। कोरोना तो 6 महीने से और 1.5 साल हो गया। शर्म की बात है कि अभी तक हम लोग पन्नी में जीवन वितरण कर रहे हैं। इतने बाल बच्चे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से गल्ला जुटा कर रख रहे हैं, वो भी भीगा जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे जी रहे हैं। अगर देना हो तो दीजिए, ये क्या हम लोग रहे हैं उनसे। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी जिसके कारण जिम्मे थी, वही लापरवाह बनकर योजना में पलीता लगा रहे हैं। इस वर्ष के मार्च महीने में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, तब से विभागीय अधिकारी धरना आने की बात कर रहे हैं। जबकि करीब 2 वर्ष से निर्माणाधीन मकान के लाभार्थियों को दूसरे किस्त देने में विलम्ब के लिए सजा मिलनी चाहिए। डुडा की परियोजना अधिकारियों ने बताया कि जिले में 31,657 मात्र और 9,918 को 3 किस्त मिल पाया है, जबकि 18,674 को पहली किस्त और 13,636 को दूसरी किस्त ही मिल पाई है। धन आने पर लाभार्थियों को धन वितरित किया जाएगा। मैम, कितने आवास सेंसर किए गए होंगे और कितने कितनी किस्त गई है? जी, 31,659 लोगों का आवास यहाँ पर सेंक्शन हुआ है जनपद मिर्जापुर में, जिसमें से हम लोगों ने 18,674 लोगों को जांच के बाद प्रथम किस्त दी है और जांच के ही बाद 13,636 लोगों को हमने द्वितीय किस्त दी है और तृतीय किस्त हमने दी है 9,918 लोगों को। और धनराशि जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी और भी किस्तें इनको लाभार्थियों को दी जाएंगी। धनराशि अभी उपलब्ध नहीं है और धनराशि जैसे ही उपलब्ध होगी उनके खाते में किस्तें चली जाएंगी। जी, COVID-19 के समय से धनराशि उपलब्ध नहीं है और जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे किस्तें निर्गत कर। जी, धनराशि उपलब्ध नहीं है अभी, नहीं अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी उनके खाते में। NBC News के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।